बिट्टू चचा का फेलसी भैया का नोमा फेल दोनों का अल्फाफा मंत्री इसलिए फूक दिया कि बिहार के गरीब दलित बुजुर्गों और मुसलमानों के बच्चे के हित के लिए नहीं सोचते हैं। 2023 नियमावली वापस करे नहीं तो हम लोगों का आंदोलन तगड़ा रहेगा। अरे लाठी चलेगा तो गोली चलाइए मार दीजिए लेकिन आपका हिटलर शाही नहीं चलने देंगे। बल्टू चचा तीन दिन के बाद क्या तीन दिन के बाद देख लेते हैं कितना आपके ताकत है रोक लीजिए। नमस्कार मैं हूं निखिल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए कारगिल चौक पर शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे बताइए कि फिर से उतरे हैं सड़क पर हंगामा कर रहे हैं हक मांग रहे हैं क्या कर रहे हैं तो क्या करे बताइए ना। लोकतंत्र में अधिकारों का जब हनन होता है तो रोडों पर न उतरेंगे किसी का घर में लिख के लाए शिक्षा बेकार बा फिर भी कुर्सी कुमार बा नीतीश कुमार को बोल रहे हैं। जी हाँ नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है। 2023 नियमावली काला चौक फरमान लाया है मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ वो हम लोग के हित के नहीं है। इसका पुतला फूंक दिया है नीचे ये पलटू चचा का फेलसी भैया का नोमा फेल दोनों का अल्फाफा मंत्री तीनों का पुतला फूंक दिया है चाचा भतीजा और शिक्षा मंत्री को हाँ फूंक दिया है। इसलिए फूंक दिया है कि बिहार के गरीब दलित बुजुर्गों और मुसलमानों के बच्चे के हित के लिए नहीं सोचते हैं। और हम लोग गुस्सा क्यों जाते हैं आप जब भी सड़क पर आते हैं तो चिल्लाने लगते हैं गुस्सा जाते हैं क्या चाहिए आप। 4 साल से हम लोग बैठे हुए हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए गरीब दलित बुजुर्गों को मुसलमानों के बच्चे के लिए यही लोग राजनीति करते हैं। बच्चा सब तो पढ़ा रहा स्कूल में वही ना सोच लिए मास्टर जाते कि नहीं गए अब बच्चा पढ़ाएंगे बच्चा तो बच्चे ना होता है। एक मिनट के लिए कुर्सी कुमार अपन कुर्सी छोड़ कर नहीं देता ऐसे मास्टर जाति के जनगणना करेंगे। आप तेज बहुत है ना तेज नहीं है तो क्या है बताइए हमको एग्जाम ले लीजिए तेज है और रहेंगे एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा। बहुत लोग बोलता है सरकारी के आदमी बोलते हैं कि अगर तेज है तो परीक्षा दे दीजिए। परीक्षा तो देने से नहीं डरते हैं 4 साल मेरा जो चला गया साथ साथ सरकारी विद्यालय के बच्चे को शिक्षक नहीं मिला है उसी लिए हम लोग 2023 नियमावली को काला फरमान को क्या करिएगा हम लोग 72 घंटा का अल्टीमेटम सरकार को दे रहे हैं। सीधा हाँ सीधा सीधी बात है सरकार अपनी 2023 नियमावली वापस करे नहीं तो हम लोगों का आंदोलन तगड़ा रहेगा जोरदार रहेगा। 12 लाख शिक्षक आप देखिए क्यों उतरे हैं सड़क पर आगे क्यों फूंक दिए हैं। देखिए जो 23 नियमावली सरकार लेने आया है इस नियमावली के विरोध में इस नियमावली को वापस करवाने के लिए और रजिस्टर्ड 19 के सभी अभ्यर्थियों के नियुक्ति के लिए हम सड़क पे आए हैं। सरकार को जब तक ये नियमावली वापस नहीं दे देगी हम अपनी लौ बहाएंगे इस सड़क पे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। कुछ भी हो जाए लड़ेंगे तेजस्वी यादव लड़ेंगे लड़ पाएंगे महागठबंधन की सरकार से एकदम लड़ेंगे लड़ पाएंगे महागठबंधन की सरकार से महागठबंधन सरकार को हम लोग चेता रहे कि अगर अभी से भी हम लोग का नियुक्ति नहीं दिए एसटीटी 19 मेरिट लिस्ट का बेटों को नियुक्ति नहीं दिए तो फिर समझ लीजिएगा हम लोग 23-24 आपको क्या लिख के लाए हैं। जब नियमावली काली जो एसटीटी जो है कि नियमावली 23 आया है उसका विरोध करने के लिए जो काला फरमान है उसको सरकार वापस ले इसी के लिए हम लोग आ जाए कह रहे कि 3 दिन का मोहरत दे रहे नीतीश कुमार तेजस्वी यादव सबको जी क्या करिएगा 3 दिन बाद पूरे बिहार के कोने कोने से आएंगे और बिहार के कोने कोने से आके पटना को पाट देंगे पटना को पाट बता देंगे नीतीश कुमार को कि आप लोकतंत्र में हैं या हिटलर शाही नहीं चलेगा यहाँ हिटलर शाही नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा फिर लाठी चलेगा। अरे लाठी चलेगा तो गोली चलाइए मार दीजिए लेकिन आपका हिटलर शाही नहीं चलने देंगे। कौन हिटलर शाही करता है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं वो हिटलर हो गए हैं हिटलर का भी वो फेल कर दिए हुए ऐसा वो कर रहे हैं वो जब 3 दिन बाद कितने अभ्यर्थी रहेंगे सड़क पर। हम लोग लाखों अभ्यर्थी सड़क पर उतरने जा रहे हैं नियोजित शिक्षक और हम लोग जो शिक्षक अभ्यर्थी सब सब उतरे ये भी यहाँ पे बताइए शिक्षक अभ्यर्थी नाराज है क्या बोलिएगा। नाराजगी सही है हम लोग के हक को हसिया से काटा जा रहा है हसिया से हाँ बिल्कुल हसिया नहीं धार से काटा नहीं तो आप ही सरकार 2019 से हम लोग के एग्जाम लेते लेते कोरोना काल जो नई बीमारी कोरोना काल में भी एग्जाम लिए ऑनलाइन एग्जाम लिए उस एग्जाम में हम लोग समझिए कि जेन्युइन रिजल्ट से पास किए जिसमें पास किए मेहनत से मेहनत से ना तो क्या मैंने नकल करके मतलब मेहनत से ना तो क्या चाचा भतीजा पे नाराज बहुत है नाराज नाराज वाला नाराज का आप इससे बड़ा भी कोई नाराजगी होता है नहीं इससे बड़ा कोई शिक्षक अभ्यर्थी साफ कहती है कि 3 दिन का मोहरत दे रहे हैं 3 दिन बस 3 दिन बस 3 दिन पलटू चचा 3 दिन 3 दिन के बाद क्या 3 दिन के बाद सारे शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर उतर जाएंगे देख लेते हैं कितना आपका ताकत है रोक लीजिए। चलिए देखिए बस 3 दिन का मोहरत है और अब देखना यह होगा शिक्षक अभ्यर्थी बहुत गर्म है पुतला फूंक दिए हैं शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का साफ कह रहे हैं कि देखिए
हमको हमारा 4 साल चाहिए, 4 साल जो हम मेहनत किए, लाठी खाए, हर चीज किए, अब एग्जाम क्यों दें? सरकार पर कितना नाराज थे, क्या कुछ कहना था शिक्षक अभ्यर्थियों का, वो आपने सुन लिया। अब देखना यह होगा कि 3 दिन के बाद कितने लोग सड़क पर उतरते हैं और सरकार क्या करती है। तो बस इस सीरीज के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।